नए वर्ष में हमको भगवती लक्ष्मी की पूजा सुख और समृद्धि के लिए करनी चाहिए। घर में एकात्मता की का वातावरण बना रहे, लोगों को के अंदर प्रसन्नता हो, इसलिए लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। तो पहली बात, लक्ष्मी की पूजा करने से पहले सभी लोगों को प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। मन प्रसन्न तन तेज विराजा। जब तक मन में प्रसन्नता नहीं होगी तब तक शरीर में तेज नहीं होगा और भगवती लक्ष्मी की पूजा नहीं हो सकती। इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा करने के पहले हम सभी लोगों को प्रसन्न चित्त हो करके लाल वस्त्र या पीले वस्त्र पहन करके विधिवत भगवती माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। और आराधना करते समय भगवती महालक्ष्मी के दो पाठ जो हैं, स्तोत्र नित्य पढ़ने चाहिए। एक तो वेद मंत्र है आपका, श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए जो वेद मंत्र है, और दूसरा आद्य गुरु शंकराचार्य द्वारा प्रस्फुटित जो मंत्र है भगवती की, कनक धारा स्तोत्र का पाठ। इन दो स्तोत्र का पाठ नित्य करना चाहिए भगवती का के सम्मुख। और कैसे करें, एक विधिवत गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर देना चाहिए। दीपक के नीचे अक्षत रख करके, एक नारियल रख करके, भगवती को स्वच्छ सुंदर वस्त्र पहना करके लाल पुष्प से उनका अर्चन करना चाहिए। रोली से, कुमकुम से उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजन करने के बाद उनके सम्मुख जो है कनक धारा स्तोत्र एवं श्री सूक्त स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कम से कम 16 बार श्री सूक्त स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके बाद महाभगवती के बहुत बड़े महा बीजात्मक मंत्र का जप करना चाहिए। वह मंत्र क्या है मैं आप लोग को बतला देता हूँ। श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस महामंत्र का जप करना चाहिए। यह बहुत ही, एक बार पुनः सुन ले मंत्र को, मैं बोल रहा हूँ आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का विधिवत जप करना चाहिए। भगवती को क्या कहते हैं कि किशमिश का भोग लगाना चाहिए या तो आंवले का भोग लगाना चाहिए, इन चीज़ों का भोग लगाकर भगवती को अर्पण करना चाहिए। जय।